भारतीय किसान यूनियन ने लोक शक्ति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन ने शिकायत पत्र देते हुए गोसाईगंज अमेठी गांव में टाउनशिप पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही किसान यूनियन ने मंदाकिनी विहार द्वारा चक मार्ग पर कब्जा कर सड़क और आरआर इंफ्रासिटी का विशालकाय गेट बनाने का आरोप भी लगाया है। किसानों का कहना है कि कंपनी ने लगभग 50 एकड़ का फर्जी नक्शा बनाकर ग्राहकों को प्लाट के नाम पर ठगा है। वहीं बिना जमीन के मालिकाना हक के अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। अवैध प्लाटिंग बिना नक्शा पास कराए लगातार व्यवसाय कर रहे हैं, जिनसे लोगों का शोषण हो रहा है। प्लाट के नाम पर ठगी हो रही, इसके संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय को और उनसे अनुरोध किया गया कि एक सप्ताह में इस पर कार्रवाई तत्काल करें। ये कहाँ पे प्लाटिंग चल रही है? ये अमेठी पड़ता है गोसाईगंज रोड पर और धौरारा गांव है। ये कहा गया कि एक सप्ताह में हम आपके ज्ञापन पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे।